ये देखिए, द रिजल्ट स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स पार्ट टू है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर, सो आर स्केयर इज इक्वल टू, ये बन जाता है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा। अभी कंडीशन देखेंगे, इफ़ क्यू इज़ डबल, अगर क्यू डबल होता है तो आर भी डबल हो जाता है, आर डबल हो जाता है तो टू आर का स्केयर फोर आर स्केयर हो जाएगा, पी स्केयर प्लस टू क्यू फोर क्यू स्केयर प्लस फोर पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाती है। सेकंड इफ कहता है इफ़ क्यू इज़ रिवर्स, रिवर्स का मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा, सो आर इज़ अगेन डबल, सो फोर आर स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस टू पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा। इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी, यही बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस का स्केयर करेंगे, माइनस क्यू का स्केयर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्यू, सो टू पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा। अभी हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, सो फाइव आर स्केयर इज इक्वल टू टू पी स्केयर प्लस टू क्यू स्केयर, यही बन जाता है, ठीक है जी, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने पे, सो टू पी स्केयर प्लस टू क्यू स्केयर माइनस फाइव आर स्केयर इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर फोर आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को सेम कर दें, इसको इसको टू से मल्टीप्लाई करा दो और इसमें ऐड कर दो, ठीक है, थर्ड बाय टू मल्टीप्लाई थर्ड बाय टू एंड ऐड टू, सेकेंड में ऐड कर देंगे, तब हमारे पास क्या होगा, फोर टू जा एट, सॉरी सीधे ही कर दो, फोर टू जा एट, एट और फोर ट्वेल्व आर स्केयर, सीधी कैलकुलेशन, और ये टू पी स्केयर और थ्री पी स्केयर हो जाएगा, और टू क्यू स्केयर और सिक्स क्यू स्केयर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, थ्री के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ पी स्केयर प्लस टू क्यू स्केयर और माइनस फोर आर स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर फाइव, फोर और फाइव को सॉल्व करेंगे, एक तो ये पी स्केयर प्लस टू क्यू स्केयर फोर आर स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा टू पी स्केयर टू क्यू स्केयर माइनस फाइव आर स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, और पी स्केयर क्यू स्केयर और ये आर स्केयर। अब बन जाएगा हमारे पास रेशियो आ जाएगी, माइनस टेन प्लस एट, और यहाँ पे माइनस एट प्लस फाइव, और यहाँ पे इसको ढक देंगे, ये टू माइनस फोर माइनस फोर बन रहा है आर स्केयर माइनस एट पी स्केयर माइनस टेन प्लस एट पी स्केयर माइनस टू क्यू स्केयर माइनस थ्री आर स्केयर माइनस टू। माइनस के साथ सारे को डिवाइड कर दें, पी स्केयर बाय टू और क्यू स्केयर बाय थ्री और आर स्केयर बाय टू, तो टू इज़ द राइट ऑप्शन, टू इज़ द राइट ऑप्शन। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ईजीली आ जाएगा ये। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, इसमें है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज थ्री पी एंड टू पी इज आर, इफ़ द फर्स्ट फोर्स इज डबल रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल, सो आर स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर, दोनों में से कॉमन निकाल दें, थ्री थ्री या नाइन चार तेरह थर्टीन आ जाएगा, थर्टीन प्लस 12 cos अल्फा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर वन देख लीजिए, इस फॉर्मूले में भरा है, आर स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा। उसके बाद इफ फर्स्ट फोर्स इज डबल, यानी कि 3p की जगह 6p हो जाए, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डबल, r की जगह 2r हो जाएगा, इट मीन्स ये 4r स्केयर बन जाएगा, यहाँ पे पी स्केयर बन जाएगा, और यहाँ पे
36 और 4 40 बन जाएगा, 6 2 जा 12 2 जा 24 कॉस ऑफ अल्फा बन जाएगा, 4 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आर स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर, 10 प्लस 6 कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करेंगे तो 13 प्लस 12 कॉस अल्फा हमारे पास 10 प्लस 6 कॉस अल्फा के इक्वल आएगा, 3 इज इक्वल टू माइनस 6 कॉस अल्फा बनेगा, 3 बाई 6 कॉस अल्फा हमारे पास माइनस 1 बाई 2 बनेगा, और कॉस अल्फा की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 कब आती है, जब कॉस अल्फा हमारे पास 120 डिग्री होता है। इसको चेक कर लें, ठीक है जी, कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जी।